नगर पंचायत उदय के चार तालाब में एक का भी सौंदर्यीकरण नहीं हुआ और आज स्थिति है कि पानी नहाने लायक भी नहीं। चुनाव सामने है, जो एक महीने बाद मतदान होना है, तो सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करके उन्हें वापस बेवकूफ बना करके वोट लेने के लिए माननीय ताम्रध्वज साहू जी ये राजनीति कर रहे हैं और करोड़ों रुपए का भूमि पूजन किए हैं उन्होंने। लगभग 1.5 साल पहले एक अखबार ने इस बात को छापा भी, लोगे तो 500 के करोड़ के काम में 140 करोड़ का घोटाला सिर्फ एक काम में हुआ है, उससे आप अंदाजा लगा। दक्षिण ग्रामीण विधानसभा में पहुंचे हैं, तो बता दें कि इस विधानसभा में जो मुख्य समस्या है वो पेयजल की समस्या है। हमने कई गांव का दौरा किया, उसमें यही निकल करके सामने आया कि पीने का पानी जो है 3-3 दिन तक नहीं खुलता है। कितनी सच्चाई है इस बात? यहाँ पर पेयजल का समस्या तो है, सभी को पता है। जैसे आप लोग को यहाँ पर हमारा जो केंद्र का एक है जल योजना, उसको भी यहाँ पर रोक कर रखा हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें राजनीति है कांग्रेस का। जैसा अगर पेयजल योजना अगर खोल दिया जाता तो कहीं ना कहीं पर केंद्र सरकार का नाम होता, मतलब भाजपा का नाम होता, इसलिए पेयजल योजना को रोक के रखा हुआ है। जबकि यहाँ उतई में बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है, हमारा एक है मेन मतलब पेयजल योजना, उसको रोक के रखा हुआ है। अभी एक गांव में मैं गया था तो वहाँ पे ऐसा कहने में आया कि कुछ काम को रोक करके रखा गया है, पानी टंकी का काम रोक दिया गया है। आप जो बोल रहे हैं ना, वो निश्चित खोपली ही गांव का मामला है, क्योंकि मैं खोपली गांव का पूर्व सरपंच हूँ। अच्छा अच्छा। वहाँ पानी टंकी का निर्माण अमृत मिशन योजना में चल रहा था और लगभग पीएचयू विभाग के द्वारा 60% निर्माण कार्य किया जा चुका था। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विरोध करने पर माननीय मंत्री जी के संरक्षण में वहाँ कार्य रोका गया है। उसके पूरे आसपास के गांव वाले भी जानते हैं बात को, जिससे ग्रामीण जनों के बीच में विवाद की स्थिति पैदा निर्मित हुआ था। उस समय चक्का जाम भी हुआ था इस मामले को लेकर और आसपास में माहौल भी बहुत खराब हुआ था इसके चलते। बताइए, पानी की समस्या रोकी जा रही, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए पब्लिक की, जनता की, उसको रोका जा रहा है गृह मंत्री के द्वारा पानी रोका जा रहा है। आरोप लगा के विषय में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मंत्री जी ने इस मामले में भी राजनीति की है, जो निश्चित तौर पर गलत है। और माननीय नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने जैसा कहा कि 1.5 साल कोरोना काल और उसके कारण विकास के लिए कम समय मिला, तो मैं इनकी इस बात को झुठलाता हूँ, क्योंकि हमारे से लगा हुआ पाटन नगर पंचायत आप देख लीजिए, कोरोना काल का प्रभाव सिर्फ ध्रुव ग्रामीण में नहीं था, उसका प्रभाव पूरे देश में था। तो पाटन विधानसभा क्षेत्र में भी उसका प्रभाव था, किंतु पाटन विधानसभा क्षेत्र की स्थिति आप जाके देख लीजिए और उसके विपरीत आप उतई नगर पंचायत की स्थिति देख लीजिए। वहाँ के सारे तालाबों में सौंदर्यीकरण हुआ है, बड़े बड़े गार्डन बने हैं, सड़कों का इतना बढ़िया काम हुआ है, लेकिन दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के एकमात्र नगर पंचायत उतई के चार तालाब में एक का भी सौंदर्यीकरण नहीं हुआ और आज स्थिति है कि पानी नहाने लायक भी नहीं है। बताइए, मैं इनके बारे में कहना चाहूँ, 5 साल आपके गृह मंत्री रहे, 5 साल हमारे चार तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया। सौंदर्यीकरण के मामले में बताना चाहूंगा, पानी रोका जा रहा है, पानी रोका नहीं जा रहा है, पानी का काम चालू हुआ है। अभी टंकी का हम लोग टेस्टिंग किए हैं, टेस्टिंग कराने के पश्चात आने वाले गर्मी में पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था हो जाएगी। और जैसा कि आप सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण के लिए हमारी स्वीकृत हो गई राशि, उसके बाद हमने टेंडर ओपन भी कर दिया, काम शुरू होने थे, लेकिन पब्लिक का मांग को देखते हुए आगामी कब सौंदर्यीकरण हुआ, कहां टेंडर पास हुआ? टेंडर अभी भूमि पूजन किए हैं 4 दिन पहले, सिर्फ दिखावा। चुनाव सामने है, जो एक महीने बाद मतदान होना है, तो सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करके उन्हें वापस बेवकूफ बना करके वोट लेने के लिए माननीय ताम्रध्वज साहू जी ये राजनीति कर रहे हैं और करोड़ों रुपए का भूमि पूजन किए हैं उन्होंने। जिस विभाग के वो मंत्री हैं, उस विभाग का ही काम वो अपने क्षेत्र में नहीं करा पाए, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर पीडब्ल्यूडी की स्थिति क्या होगी। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है, पूर्व वक्ताओं ने भी अपनी बात कही। लगभग 1.5 साल पहले एक अखबार ने इस बात को छापा भी था कि 400 करोड़ के काम को उनके पुत्र ने अधिकारियों के साथ मिलकर रिंग बना करके 500 करोड़ में बांटा है, खुला 100 करोड़ का घोटाला उसमें किए, प्लस कमीशन और निकाल लोगे तो 500 के करोड़ के काम में 140 करोड़ का घोटाला सिर्फ एक काम में हुआ है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पीडब्ल्यूडी में पूरे प्रदेश के अंदर 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला इनके मंत्री रहते हुए किया गया है। क्या कहेंगे अब इस पर? इनके बारे में कहना चाहूंगा, घोटाले पूरे सरकार पर आरोप लग रही है, छत्तीसगढ़ सरकार के घोटाले हो रहे हैं, पीएससी घोटाले हो रहे हैं, आईटीआई में आरोप हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप तो होती रहती है, उनकी छानबीन होनी चाहिए, उनकी कमेटी बननी चाहिए, उनकी जांच होगा तभी पता चलेगा कि आरोप है, क्या गलत है, सही है, तो उसका सिद्ध होना चाहिए ना, सिद्ध कहने से थोड़ा आरोप नहीं लग जाता। इसका सिद्ध कौन घोटाला है? कोयला घोटाला में आईएएस अफसर अंदर है ना? हाँ, उतई से हैं आप? नहीं, कौन विधानसभा है आपका? पाटन विधानसभा। पाटन में जितना काम हुआ है उतना अब देखते हैं जब आए यहाँ। काम तो बहुत हुआ है, लेकिन घोटाला भी बहुत हुआ है। आज तक इतने सरकार देखे, लेकिन इतने घोटाला निकला बहुत से अधिकारी। कौन सी सरकार में घोटाला आपको दिख रहा है? बघेल सरकार, रमन सरकार, किसमें दिखा?
इसमें दिख रहा है ईडी बहुत छापा मारा है, बहुत से मंत्री है, आईएएस अफसर है और उसके अधिकारी है और कुछ ठेकेदार वो सब अंदर है।